दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने देश में खुलेआम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विदेशों में जो है ये चीज़ें बैन हैं। तो आज बेसिकली हम यही यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं दूसरे कंट्रीज़ दूसरे देशों में जो है बैन है और हमारे देशों में जो है खुलेआम इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आप बैन है, अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है www.quicktechdev.com पे जाना ना भूलें, जहाँ पे आपको जो है डेली करंट अफेयर के PDF, डेली जो है जॉब्स, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों जॉब्स जो आपको बताई जाती है। इसके साथ साथ जो है आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ भी फ्री में इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इजीली जो है विजिट कर सकते हैं और डेली जो है ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो है बारी बारी करके बात करेंगे। तो मैं यहाँ आपको सबसे पहले बात करेंगे हमारे पहले स्लाइड की। तो देखिए, पहले स्लाइड में जो है आपको नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पे आप नीली जीन्स पहन के नहीं निकल सकते हैं। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में आप जो है नीली जीन्स पहन के नहीं निकल सकते हैं, लेकिन आप इंडिया में यानी कि भारत में जो है इसको पहन सकते हो। तो ये जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे देशों में बैन है। अब दूसरी बात करते हैं सिंगापुर की। तो देखिए, सिंगापुर में जो है आप चिंगम को चबाना एकदम सख्त मना है। अगर आप चबाते हैं चिंगम को तो आप पे जो है फ़ाइन तक लगता है। यहाँ पे $1000 रुपए का फ़ाइन लगता है। अगर मैं बात करूँ तो आपको लगभग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत में जो है आप चिंगम ये सारी चीज़ें जो है आसानी से च्यू कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश है सिंगापुर जहाँ पर आप चिंगम को चबा नहीं सकते। बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की ओर। तो अगला स्लाइड जो है हमारे फ्रांस की ओर है। तो फ्रांस में जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को देखते हुए यहाँ पे जो है बुर्का को बैन कर दिया गया है, लेकिन आप भारत में ऐसा कर सकते हैं, आप बुर्का वगैरह पहन सकते हैं। लेकिन फ्रांस में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ने के कारण जो है बुर्का को बैन कर दिया गया था। अभी अगर बात की जाए 2014 और इससे पहले जब इनके फ्रांस में जो अटैक हुआ था, वहाँ पर जो है बुर्का पूरी तरह बैन कर दिया गया था पब्लिक प्लेसेस में। देन दोस्तों, इसी तरह बात की जाए मलेशिया में जो है आप पीले कपड़े पहनकर नहीं निकल सकते हैं। पीले कपड़े जो है यहाँ पे बैन रखा हुआ है, लेकिन आप भारत में ऐसा कर सकते हैं। तो मलेशिया में जो है आप पीले कपड़े पहन के नहीं निकल सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप हम जो है डेली यूज़ करते हैं, लेकिन दूसरे देशों में ये बैन है। इसी तरह बात की जाए दोस्तों नॉर्वे की। तो नॉर्वे में जो है रेडियो का प्रसारण पर बैन लगाया हुआ है। जी हाँ, रेडियो के जो प्रसारण होता है वो बैन लगाया गया है नॉर्वे में, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। अब ऐसा क्यों नहीं है, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आने वाले वीडियोस में जो है हम इसके बारे में बताएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो अगला स्लाइड जो हमारे पास बुल्गेरिया का है। बुल्गेरिया में जो है उबर टैक्सी पर बैन लगा हुआ है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जी हाँ, उबर आपने सभी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा उबर। तो उबर को जो है बुल्गेरिया में बैन लगा हुआ है, वहाँ पे उबेर की टैक्सी नहीं चलती है। इसी तरह दोस्तों बात किया जाए समोसे की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको कभी नहीं सोचा होगा कि कोई समोसे पर बैन लगा सकता है। जी हाँ, लेकिन सोमालिया ऐसा देश है जहाँ पर समोसे पर भी बैन है। जी हाँ, समोसे पर भी बैन है। और इसके पीछे क्या रीज़न है आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये सारी जो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, इसके लिए जो है नया वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है quicktechdev.com पे जाना ना भूलें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। इसके रीजन के लिए, इसके आंसर के लिए जो है आपको वेट करना पड़ेगा। तो आने वाली वीडियो में जो है हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें बैन यहाँ पे क्यों हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।